नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ट्वेल्थ बाइपार्टाइट के हिसाब से अब एसबीआई द्वारा एक्सग्रेसिया दे दिया गया है और बाकी और बैंकों द्वारा भी एक्सग्रेसिया पहले ही दिया जा चुका था। ज़्यादातर बैंकों ने मार्च में ही दे दिया था और कुछ बैंकों ने अप्रैल 2024 में दे दिया था। स्टेट बैंक ने 2 महीने बाद ये एक्सग्रेसिया और उसका एरियर दिया, जिसमें कि उन्होंने पहले यह कहा था कि हमने नोशनल बेसिस पे एक्सग्रेसिया देने के लिए आईबीए को रेफर किया हुआ है मैटर, और एचआरएमएस में कोई फंक्शनलिटी डेवलप कर रहे हैं जिसकी वजह से ये देर हो रही है। जहाँ तक बात है आईबीए के क्लियरेंस की, वो तो लगता है स्टेट बैंक को नहीं मिली या उसमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसकी वजह से फाइनली जो एक्सग्रेसिया हम लोगों के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वो केवल 12th बायपार्टाइट के हिसाब से जो कैलकुलेशन होनी थी 31 अक्टूबर 2022 की पेंशन और डीए पर, उसी के आधार पर एक्सग्रेसिया क्रेडिट किया गया है। दोस्तों, इस संबंध में काफ़ी लोगों के कमेंट अभी भी आ रहे हैं कि उन्हें एक्सग्रेसिया का पेमेंट नहीं हुआ। अब उन्हें कुछ फैमिली पेंशनर्स भी हैं जो ये बता रहे हैं कि अभी उन्हें एक्सग्रेसिया का पेमेंट नहीं हुआ। एक्सग्रेसिया का पेमेंट ना होने के जो 3-4 कारण मुझे नज़र आते हैं, मैं उस पर जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहला कारण तो ये है कि जो पेंशनर 31 अक्टूबर 2022 के बाद रिटायर हुए हैं, उनको 12th बाइपार्टाइट के हिसाब से रिवाइज पेंशन मिलेगी पर कोई एक्सग्रेसिया नहीं दिया जाएगा। और यही फार्मूला फैमिली पेंशनर्स पे भी लागू होता है। जो 12th बाइपार्टाइट के फैमिली पेंशनर्स हैं उनको भी एक्सग्रेसिया नहीं मिलना है। दूसरा जो कारण हो सकता है कि कुछ लोगों को एक्सग्रेसिया के लिए वो एलिजिबल हैं, लेकिन किसी कारणवश या कोई टेक्निकल रीजन की वजह से उनको एक्सग्रेसिया नहीं दिया गया, चाहे वो स्टेट बैंक के पेंशनर्स हैं या अदर बैंक्स के भी हो सकते, तो उन केसेस में पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स अपने पेंशन पेइंग ब्रांच से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके या अपने जो हेड ऑफिस में जो पेंशन वाला डिपार्टमेंट है AGM PPG है, उनको डायरेक्ट कम्युनिकेट करके अपना एक्सग्रेसिया रिलीज करा सकते हैं। इसी कड़ी में काफ़ी लोगों का ये कहना है कि उनको स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के हिसाब से पेंशन रिवाइज नहीं की गई, उन केसेस में भी उनको एक्सग्रेसिया का अमाउंट कम मिला होगा। ऐसे केसेस में जो कंसर्न पेंशनर्स हैं वो सबसे पहले अपने स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का पेंशन रिलीज कराएं और उसके साथ ही अपना एक्सग्रेसिया का अमाउंट भी क्लेम करें। चौथी कैटेगरी उन लोगों की है जिनको कि PQA और FPP 7th बाइपार्टाइट के हिसाब से 50% पेंशन मिले, तो वो उस कैटेगरी के काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको कि अभी रिवाइज पेंशन दे दी जानी चाहिए थी और साथ ही उस पर एक्सग्रेसिया भी मिलना चाहिए था, लेकिन स्टेट बैंक के केस में वो डिसीजन 10 नवंबर 2023 से है काफ़ी केसेस में, और बाकी केसेस में तो पहले से ही लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन ना वो उस अमाउंट का डिसबर्समेंट भी कई लोगों को नहीं हो पाया और ना ही उस पर एक्सग्रेसिया मिला है। तो उसके लिए भी पेंशन पेइंग ब्रांच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या अपने कंसर्न पेंशन डिपार्टमेंट जो हेड ऑफिस में है उससे भी कांटेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों, इस प्रकार के कई और मुद्दे भी जो यदि किसी भी पेंशनर्स को लगता है कि उसको उसके लेजिटिमेट राइट है और वो नहीं मिल पा रहा, उसके लिए उसके सबसे पहले वो अपने पेंशन पेइंग ब्रांच को संपर्क करें। यदि वो उसकी समस्या का समाधान करने में असमर्थ है तो वो अपने आगे हेड ऑफिस में PPG डिपार्टमेंट है उसके AGM को ईमेल भेज करके या डायरेक्ट लेटर भेज करके संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। पेंशन रिटर्न संबंधित, बैंक पेंशन संबंधित, बैंक स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया
नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।